Hello everyone, myself Karan Sharma, owner of IELTS Helpline Institute, and welcome back to our official YouTube channel IELTS Helpline Faridkot. And today we are here with another video of present continuous tense. And kal jida apa video kiti si present indefinite ya simple present tense thi, so eh udi continuation hi hai. And next apa eh video hai ki apni continuous tense the upar. So first let me clear you what is the meaning of continuous. Continuous the meaning ki hunda lagatar, matlab ki jo kam apna lagatar ho reha hai. ठीक है, सो इसकी पहचान की आइडेंटिफिकेशन की है कि आप कंटीन्यूअस टेंस की गल कर रहे हैं, उसकी है रहा. ठीक है, रहा है तो प्रेजेंट, सी है तो पास्ट. सो अपनी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन की है रहा, कि अपना काम जिहड़ा चल रहा उसनों आप कहने हैं कंटीन्यूअस टेंस. सो इस आप रूल ना स्टार्ट करते हैं. सब्जेक्ट प्लस एस एम आर प्लस वर्ब द फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट आप कल भी किया, सब्जेक्ट होंगे जो आप जो काम करता पे, जिम्मे मैं बोर्ड के उपर लिख रहा हाँ. ठीक है, मैं सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, आई एम, ठीक है, राइट के नाल आई एन जी राइटिंग ऑन द वाइट बोर्ड. ठीक है, किरिया की सी मैं लिख रहा, किरिया होगी तेरे जो वाइट बोर्ड से, वह अपना हो गया ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो आप ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इज एम आर की वरतों आप किस हिसाब न करनी है. एम की हमेशा आप वरतों करनी है आई दे. ठीक है, एंड इस दी आप वरतों करा थर्ड परसन दे. थर्ड परसन मीनस ही शी इट एंड नाउन. नाउन मीनिंग नेम, जो भी कोई नाम आ जाए, राम श्याम सीता गीता. And whenever we talk about the plurals, plural दे विच आपां की use करांगे आर. ठीक है, जिवें आपां दे कह सकते हैं, वी कह सकते हैं, यू नूं भी आपां प्लूरल दे विच मन्नांगे, क्योंकि यू दे विच की है ज्यादा जने भी हो सकते हैं. सो इसकी फर्स्ट आपां एग्जाम्पल की आपां गल करिए, मैं आई एम कुकिंग द फूड. ठीक है, सो इहदे विच की हो गया, आई हो गया अपना सब्जेक्ट, एम अपना हेल्पिंग वर्ब लग गया, कुक दे नाल आई एन जी, फूड अपना हो गया ऑब्जेक्ट. जो अपना आई की जगह से अपना आ जाए कि वह खाना बना रहा है, रहा है ज रही है, ज रहा था ही ज रही है था शी, ही इज कुकिंग द फूड. सिमिलरली जो अपना आज वो खाना बना रहे हैं, वो बना रहे मतलब ज्यादा जने है, दे आर कुकिंग द फूड. ठीक है, जो कोई नाम आ गया, नाउन राम इज कुकिंग द फूड. ठीक है, अपना मतलब कि सिर्फ अपना ये इज एम आर की तुम की है ध्यान रखना है. ठीक है, सिंपल जहा रूल है, वैनएवर जो आप काम कर रहे हैं एम लगेगा, जो आप ही शी इट या किसी नाम में गल कर रहे हैं इज लगेगा, एंड जो आप किसी आप गल कर रहे हैं प्लूरल की उदो अपना की है आर लगेगा. ठीक है, सिमिलरली जो आप नैगेटिव फॉर्म की गल करिए, जो आप नैगेटिव बना, नैगेटिव के करना कुछ नहीं करना, कला आप नॉट ऐड कर देना इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, आई एम नॉट कुकिंग द फूड, ही इज नॉट कुकिंग द फूड, शी इज नॉट कुकिंग द फूड, दे आर नॉट कुकिंग द फूड. सो ये अपना सीरियस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, सिर्फ तुम्हें यदि पहचान रखनी है जो भी अपना टेंस के रहा आए. ठीक है, दिमाग के बिठाओ रहा. ठीक है, कल जो आप टेंस किया पहचान से दा दी, इस दे विच की आऊगा रहा, जो रहा होगा वह अपना कॉन्टीन्यूस टेंस होगा एंड आई एन जी लगेगा. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. इज एम आर की तुम्हें पहचान रखनी है, किस किस नाल लगेगा अपना
एंड उस तो बाद अपने जो है पॉजिटिव सेंटेंसिस हो गए एंड इनएक्टिव सेंटेंसिस हो गए. सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो एंड टुमारो वी विल पोस्ट द वीडियो ऑन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर अवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू.